हेलो 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 अना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं भी अल्लाह का बहुत 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 शुक्र बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, खुश एज ऑलवेज। कभी कभी ज़्यादा खुश, कभी कभी कम खुश, और ज़िंदगी इस तरह की है, कभी बंदा ज़्यादा खुश होता है, कभी कम खुश होता है। लेकिन आजकल मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आजकल मैं जाने वाली हूँ पाकिस्तान, आजकल मैं जाने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सऊदीया। तो कल मैं एक व्लॉग देख रही थी कि सितारा और सलमा जो भी हैं उनका आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा वैसे भी फैमिली चैनल है और उनके तो वो बात भी इस तरह की है कि फैमिली चैनल पे हम वो बात कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जो बहन भाई होते हैं ना, इनका खून का रिश्ता होता है, बहनों का, भाइयों का, तो इनमें तो कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं। मतलब अगर इनकी लड़ाइयाँ हो ना, जब इनका खून जोश मारते हैं ना, तो वो सब कुछ माफ़ कर देते हैं। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि कल मैंने व्लॉग देखा और जिस व्लॉग का माशाल्लाह माशाल्लाह स्टार्ट ही इस तरह हो कि उसके अंदर मस्जिद के अंदर जाके फजर की नमाज, और वो मस्जिद भी मस्जिद नबवी, तो उस व्लॉग की तो क्या ही शान है। हम उसके मतलब मेरे पास तो इनफैक्ट सुभान अल्लाह, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सलमा यासिन गई मस्जिद नबवी के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह से वो सऊदीया में रहती है, मस्जिद नबवी में गई, उन्होंने वहाँ पर फजर की नमाज पढ़ी और उन्होंने सारा व्यू भी दिखाया। मुझे व्लॉग बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा व्यू माशाल्लाह, क्योंकि मैं उस जगह पर खुद कभी गई नहीं हूँ। और मेरा सारा मुसलमानों से भी एक क्वेश्चन है, स्पेशली मेरा मुसलमानों से ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो जगह ना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस की हामिल है, और वहाँ पे बस बहुत खुशनसीब लोग ही जा पाते हैं। अल्लाह करे उन खुशनसीबों में मेरा भी नाम हो। लेकिन उसने, सलमा यासिन ने एक अपना व्लॉग अपलोड किया, वहाँ पे उसने मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने लाइक सराउंडिंग की चीज़ें दिखाई कि उमरा के ज़ियारत पे लोग आए होते हैं और क्या हो रहा होता है, दिस एंड दैट। लेकिन फिर बाद में उसने मस्जिद नबवी में खड़े होकर कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही अगेंस्ट माई ओन सिस्टर सितारा यासिन। तो क्या कोई मुसलमान मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर झूठ बोल सकता है? ये आप खुद से क्वेश्चन करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो वेदर शी इज राइट और शी इज रॉन्ग, मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कोई बंदा वहाँ पर कैसे झूठ बोल सकता है, वो भी मुसलमान बंदा। मुझे तो ये लगता है कि वो वहाँ पर झूठ नहीं बोल रही थी। आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, क्योंकि लाइक शी इज़ वेरी सिंपल लेडी। मुझे जो ओवरऑल लाइक मैं तो उनको उनके व्लॉग से ही जज कर सकती हूँ ना, पर्सनली तो मैं उनसे नहीं मिली। तो वो मस्जिद नबवी में खड़े होकर ये कह रही है कि मेरी बहन झूठी है और मैं सच्ची हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो वहाँ पर झूठ बोल रही होगी। आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं भी बहुत जल्द उस जगह पर हूँ। लेकिन एक एक बात, अगर वो झूठ बोल रही हुई तो उससे ज़्यादा बदबख्त कोई नहीं है, क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं, ये जो YouTube की अर्निंग है, Facebook की अर्निंग है, ये अर्निंग पैसे डॉलर सब कुछ इधर रह जाना है, और हम इतनी पाक जगह पे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रही थी कि वो सच बोल रही थी, लेकिन अगर मैं अपने आप को रखती हूँ और मैंने जो अब तक सीखा है, जो मैंने समझा है, मेरे लिहाज से मुझे ये लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो मैं तो मतलब मेरा बहुत दिल किया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, मुझे नहीं लगता शी इज़ लाइंग। आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई उस जगह पे झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट अगर कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू भी मुझे देख रहा है ना, तो वो अपने एक कोई मतलब लाइक कोई उनका बहुत स्पेशल टेम्पल, कोई बहुत स्पेशल क्रिश्चियंस की चर्च, वहाँ पर जाके जो उनके लिए बहुत 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 स्पेशल हो, तो क्या कोई वहाँ पर जाके झूठ बोल सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या वो झूठ बोल रही थी, क्या वो सच बोल रही थी? मुझे ये लगता है कि वो सच बोल रही थी। आपका वोट क्या है, झूठ या सच? डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी आपको वहाँ पे व्लॉग बनाती हुई नजर आऊँगी। तब तक आप अपना बहुत 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 सा ख्याल रखें, एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। बाय बाय।